तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लो लेवल मॉड्यूलेशन सिस्टम। तो हमने कहा था कि जब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास पहला ब्लॉक था क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का मेन काम क्या होता है कि स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना, और फिर उसके बाद आपके पास बफर एम्पलीफायर होता है। ये जो आपके पास बफर एम्पलीफायर है, यहाँ पे बफर एम्पलीफायर का मेन काम होता है आइसोलेशन प्रोवाइड करना। आइसोलेशन, ये जो आइसोलेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, आइसोलेशन प्रोवाइड करने का मेन पर्पस, कहने का मतलब ये है कि क्या है कि जब हम मॉड्यूलेशन, आगे का जो सेक्शन होगा मॉड्यूलेशन सेक्शन होगा, जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म होगा तो उस केस में जो है, हम जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो पावर का रिफ्लेक्शन है, कोई रिफ्लेक्टेड पावर या कोई रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो है, हमारा जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर के परफॉर्मेंस को डिग्रेड ना कर सके या इसको अफेक्ट ना कर सके, इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं बफर एम्पलीफायर। हमने कहा कि बफर एम्पलीफायर का मेन काम क्या होता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा क्या है, मॉड्यूलेटर का है। पावर एम्पलीफायर वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम मॉड्यूलेटर को दो इनपुट देंगे। पहले हमने दिया कैरियर, क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट किया। उसके बाद हम दूसरा जो देंगे बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम एम ट्रांसमीटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एम ट्रांसमीटर में सिंपली क्या होता है, आपके पास जो कैरियर सिग्नल होगा, उस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को आप चेंज करते हो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अब हमने क्या किया, कैरियर दे दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर से पास करके हमने दे दिया मॉड्यूलेटर को। अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो जाएगा और एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाता है। जो ये एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ है, इसका जो पावर लेवल है ये इतना सफिशियंट नहीं होता कि इसको हम डायरेक्टली क्या करें, यहाँ से एंटीना से ट्रांसमिट कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल होगा, इसके पावर को हम बूस्टअप करते हैं या सिंपली हम कहते हैं इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, और एम्पलीफायर का यूज़ करने का मतलब है सिंपली गेन को इंक्रीज़ करना, या हम कहते हैं पावर लेवल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंक्रीज़ करते रहें। अब एक बार जब हम एम्पलीफाई कर देंगे सिग्नल को और पावर लेवल सफिशियंट हो जाएगा कि जिसे हम प्रॉपर ट्रांसमीटर करें, तो इसके बाद ये पास होता है मैच्ड एंड फीड नेटवर्क से। मैच एंड फीड नेटवर्क का मेन काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करना, या ये इंश्योर करता है कि जो हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म किए हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो हमारा मैक्सिमम पावर का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग होगा का, जिससे जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिनिमम हो जाता है। अब हमने कहा था कि एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो होता है अर्ली स्टेज मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, यही दो डिफरेंस था। अब हमने इसको क्यों कहा कि ये लो लेवल मॉड्यूलेशन सिस्टम है, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो कैरियर जनरेट किया, इनिशियल जो कैरियर है, उस कैरियर में हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, हम डायरेक्टली इसको क्या कर दे रहे हैं, दे रहे हैं मॉड्यूलेशन के लिए। मतलब ये आपका जो इनिशियल पावर लेवल होगा कैरियर का मिनिमम होगा, तो ये सेम वही सिग्नल हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं मॉड्यूलेशन के टाइम पे। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा कैरियर जनरेट हो रहा है, पहले पॉइंट ये था कि कैरियर का पावर लेवल मिनिमम था, पावर लो था, और दूसरा ये जो पॉइंट है कि हमने कहा था अर्ली स्टेज मॉड्यूलेशन। जो ही कैरियर जनरेट हो रहा है हम क्या कर दे रहे हैं, मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते रहे, और मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें फिर से क्या करना पड़ा, सिग्नल को बूस्टअप करना पड़ रहा है। तो ये दो चीज़ें होता है जब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे कि हम अर्ली स्टेज पे मॉड्यूलेशन करते हैं, और जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो जो कैरियर का पावर लेवल होता है वो मिनिमम होता है। अब अगर इसमें थ्योरी की बात करें तो सेम चीज़ें इसमें मेंशन है कि लिखा है दिस सिस्टम इज यूज्ड एज द लो पावर ट्रांसमीटर एंड द मॉड्यूलेशन टेक प्लेस टू द लो पावर सिग्नल। लिखा हुआ क्लियर कट कि मॉड्यूलेशन टेक प्लेस टू लो पावर सिग्नल।
क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर सिग्नल ऑफ द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। उन्होंने कहा क्रिस्टल ऑसिलेटर का मेन काम क्या था, कैरियर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना। बफर एम्पलीफायर क्लास इज यूज टू आइसोलेट द रिमेनिंग हाई एम्पलीफिकेशन स्टेज। यहाँ पे जो बफर एम्पलीफायर के बारे में हमने कहा कि बेसिकली इसका क्या काम होगा कि ये जो इसके बाद का हायर स्टेज होता है, मतलब सिंपली जो मॉड्यूलेशन सेक्शन होता है उसको ये क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। उसके बाद निकला है द सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाई क्लास ए पावर एम्पलीफायर टू राइज द डिजायर्ड पावर लेवल। ये क्लास बी है यहाँ पे, क्लास बी पावर लेवल कि जब आप मॉड्यूलेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो आपको पावर लेवल इंक्रीज कर देंगे मॉड्यूल ट्रांसमिशन के लिए। अब इसमें इसका डिसएडवांटेज जो है, लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम इज द लो इफिशियंसी ऑफ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर एज कंपेयर टू क्लास सी एम्पलीफायर जो हमने यहाँ पे यूज किया था। द मैचिंग एंड फीड नेटवर्क प्रोवाइड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन। तो हमने कहा था कि अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन इसका ये है कि जो आपके पास, हमने कहा था कि जब क्लास बी एम्पलीफायर की बात किए थे तो क्लास बी एम्पलीफायर का जो पावर लेवल था वो क्या था, मॉडरेट लेवल का था एज कम्पेयर टू क्लास सी। और मैच फीड नेटवर्क की बात करें तो मैच फीड नेटवर्क के केस में हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि मैच और फीड नेटवर्क बेसिकली क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड का, जिसे हम कहते हैं हाई पावर लेवल। तो हाई पावर लेवल के केस में क्या होगा, अगर आप हाई पावर लेवल जो है हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमने कहा था कि दो चेंजेस होता है। एक तो हमारा क्या होगा, कैरियर का पावर लेवल पहला जो पॉइंट था, और दूसरा जो होता है मॉड्यूलेशन किस स्टेज पे हो रहा, मॉड्यूलेशन स्टेज। तो जब हमने लो लेवल की बात की तो लो लेवल हमने देखा था कि जो कैरियर था, कैरियर का पावर लेवल मिनिमम था और अर्ली स्टेज पे मॉड्यूलेशन हो जा रहा था। मॉड्यूलेशन होने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता था। ये चीज़ें आपका हाई लेवल में नहीं होगा। अब जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, हमने कहा था कि ये किस बेस पे डिफाइन करें, कैरियर के पावर लेवल पे। तो इसका मतलब जो आप हाई लेवल की बात करोगे तो कैरियर का जो पावर लेवल होगा वो हाई होगा, और मॉड्यूलेशन हम लास्ट स्टेज पे करेंगे। लास्ट स्टेज में करने का सिंपल में नहीं है कि हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हम सिग्नल का डायरेक्टली ट्रांसमिशन कर देंगे। तो अब अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें तो अगर आप ब्लॉक सेक्शन पे आ जाएं तो ये है इसका पूरा ब्लॉक सेक्शन। आपके पास क्रिस्टल ऑसिलेटर है, बफर एम्पलीफायर क्लास सी है, बफर एम्पलीफायर फिर से पावर एम्पलीफायर क्लास सी है, मॉड्यूलेटर है और मैच एंड फीड नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम है, यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका मेन काम अभी भी वही है, कैरियर डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के कैरियर सिग्नल को जनरेट करना। अब यहाँ पे फिर से बफर एम्पलीफायर है, यहाँ पे क्लास ए यूज हुआ, यहाँ पे क्लास सी यूज हो रहा, क्वेश्चन होगा। वो अभी भी बफर एम्पलीफायर का मेन काम है कि जो रिमेनिंग हायर आपका जो पोर्शन होगा, एम्पलीफिकेशन स्टेज होगा या मॉड्यूलेशन स्टेज होगा, उसको ये क्या करता है, बाकी सेक्शन को आइसो कैरियर ऑसिलेटर को, क्रिस्टल ऑसिलेटर को आइसोलेट कर देगा। क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करने का मेन यहाँ पे पर्पज़ ये होता है, यहाँ पे जबकि क्लास सी यूज की, हमने कहा था कि अब यहाँ पे जो भी होगा बहुत हाई पावर लेवल पे होगा, सारा जो कुछ हम परफॉर्म करेंगे क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा, पावर लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज़ करेंगे इसका मेन काम आइसोलेशन प्रोवाइड करना है, तो इसका भी पावर लेवल हाई होना चाहिए जिससे ये मैक्सिमम जो हाई लेवल सिग्नल है उसको ब्लॉकेज प्रोवाइड कर सके। तो अब यहाँ पे बफर एम्पलीफायर आ गया, बफर एम्पलीफायर का मेन काम आइसोलेशन का। अब यहाँ पे एक नया ब्लॉक ऐड होता है, पावर एम्पलीफायर क्लास सी। तो जैसा कि हमने कहा कि जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर की, तो हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर जब हम लो लेवल पावर लेवल की बात करें तो हमने कहा था कि डायरेक्ट हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, हाई पावर लेवल की बात कर रहे हैं।
तो हाई पावर लेवल की बात करने का सिंपल मीनिंग ये हो गया यहाँ पे कि अब कैरियर का पावर लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपली है क्या कि कैरियर का पावर लेवल हाई है, कैरियर का पावर लेवल मिनिमम है, इस बेस्ड पे ही तो हमने डिफाइन किया है। तो अब अगर अब अभी भी क्रिस्टल ऑसिलेटर जैसे यहाँ पे काम कर रहा था, जो सिग्नल जनरेट कर रहा था वहाँ पे भी कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये कैरियर क्रिस्टल ऑसिलेटर है, यहाँ पे हम जो है कैरियर को एम्पलीफाई कर देंगे। कैरियर को एम्पलीफाई करने का सिंपल मीनिंग ये है कि जो पावर लेवल है इसके पावर लेवल को इनक्रीज़ कर देंगे। अब हम पावर लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर का यूज़ किया। हमने कहा था कि क्लास सी पावर जो एम्पलीफायर होते हैं उसका जो गेन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अब हमने यहाँ पावर लेवल को इंक्रीज़ कर दिया और अब हम देते हैं मॉड्यूलेटर को। यहाँ पे मॉड्यूलेटर भी क्लास सी का हम यूज़ किए हैं और दूसरा यहाँ से हम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे। अब यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब हम यहाँ पर मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल यहाँ पर जनरेट होगा उसका जो पावर लेवल होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कैरियर का जो पावर लेवल है वो इम्प्रूव कर दिया था क्लास सी एम्पलीफायर करके एम्पलीफाई करके। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल होगा उसका पावर लेवल, क्योंकि इसमें क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ हुआ तो गेन इसका मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा इसको हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैच एंड फीड नेटवर्क होगा। मैच एंड फीड नेटवर्क का यहाँ पे भी जो मेन काम है वो वही है कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन कर, कि मतलब सिंपली जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ करना है, स्टैंडिंग जो वेव क्रिएट होगा उसको मिनिमाइज़ करना, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि दो चीज़ें डिफरेंस आपको दिख रही होंगी कि दो बेस था, कैरियर का पावर लेवल इम्प्रूव होगा और दूसरा क्या था, यहाँ पे हमने पहली चीज़ कैरियर के पावर लेवल को इम्प्रूव कर दिया और दूसरा हमने लास्ट स्टेज पे मॉड्यूलेशन किया। लास्ट स्टेज मॉड्यूलेशन का सिंपल मतलब ये है कि हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया और मैसेज का ट्रांसमिशन कर दिया। तो ये जो हमारा था ये ट्रांसमीटर सेक्शन था। तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो इसमें वही सब लिखा होगा, कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं लिखा है, तो हम उसको भी एक बार पढ़ दे रहे हैं, फिर हम लोग रिसीवर पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इन हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन द कैरियर द एम्पलीफाइड बाई क्लास सी एंड द मॉड्यूलेशन इज डन एट द हाई पावर लेवल। जो हमने कहा था कि यहाँ पे हम क्लास सी एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, ये पहला था, और उसके बाद मॉड्यूलेशन परफॉर्म क्लास सी एम्पलीफायर एम्पलीफाई ओनली द कैरियर फ्रिक्वेंसी हैंस कैन हैव द हाई गेन एफिशियंसी एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसमीटर आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो वो इसमें क्लास सी एम्पलीफायर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम होगा, क्योंकि हमें बीच में मॉड्यूलेशन भी परफॉर्म करना और ओवरऑल जो कॉस्टिंग होती है इसकी ये हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं एएम रिसीवर का। तो जब हम रिसीवर की बात करेंगे तो ये रिसीवर क्या चीज़ है, किस पे बात हो रही है, एएम रिसीवर की। तो हम जब रिसीवर की बात करेंगे तो हमने पहले डिफाइन किया था कि रिसीवर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रिसीवर पे बात चल रही। तो जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में, जब कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में हमने डिस्कशन किया तो उस केस में हमने कहा था कि जो रिसीवर है, रिसीवर का मेन काम होता है कि जो ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल होता है उसको रिसीव करना। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हम इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि जो ये मैसेज रिसीव करके मैसेज को डिलीवर करता है ये प्रोसेस कैसे वो परफॉर्म करता है। तो पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर, कि जो आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम है जो अभी एएम ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है उसकी बैंड कितनी होती है, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, बैंडविड्थ कितना होगा और उसका कैरियर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितना है। तो अगर हम एएम बैंड की बात करते हैं तो जो एएम बैंड है वो 540 से लेके 1650 किलोहर्ट्ज का बैंड होता है। इसी पूरे बैंड में एएम सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा और
जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें, मतलब जो आप सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं, आपके पास जो बेसिक इनिशियल इन्फॉर्मेशन होगा उसकी जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM होगी, FM की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 किलोहर्ट्ज़। और इसके बैंडविड्थ की बात करें तो हम जानते हैं कि AM का जो बैंडविड्थ होता है वो 2 FM आता है, तो अगर ये 5 है तो इसके लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 10 किलोहर्ट्ज़। तो आपके पास जो AM का बैंडविड्थ है वो कितना होना चाहिए, 10 किलोहर्ट्ज़। अब उसके बाद है IF फ्रीक्वेंसी। IF फ्रीक्वेंसी सिंपली इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू होती है सिंपली 455 या 455 किलोहर्ट्ज़। अब ये जो IF एम्पलीफायर है, IF फ्रीक्वेंसी है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। अभी जब हम रिसीवर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर हम डेवलप करेंगे, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कोई भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको एक कॉमन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और यही होती है IF फ्रीक्वेंसी। तो ये तो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है हमारे, तो अभी हमारे पास जो डिस्कशन का पॉइंट है कि जो रिसीवर है आपका, जो रिसीवर, रिसीवर के वर्क क्या क्या हैं। ये हमारे पास रिसीवर है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। जैसे हमने कहा था कि बेसिकली अगर रिसीवर हमने डिफाइन किया था उस टाइम, तो हमने कहा था रिसीवर इज ए फिजिकल सिस्टम व्हिच रिसीव द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। तो अभी तो वही बात हो गई, जैसे हमने कहा कि हमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है तो हम क्या कहते हैं कि A to D कन्वर्टर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन A to D कन्वर्जन जो एनालॉग से डिजिटल में होगा उसका इंटरनल फंक्शन होता है। तो हमें डिस्कस करना कि फंक्शन ऑफ रिसीवर कि कैसे वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ भी जब हम रिसीवर के फंक्शनिंग की बात करेंगे, तो रिसीवर के फंक्शनिंग की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा कि कैसे मैसेज को रिसीव करेगा, कैसे मैसेज को वो फिर डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवर करता है। तो जो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, किसी रिसीवर का जो फंक्शन होता है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो क्या होगा। हमने कहा कि आपके पास 6540 से लेके 1650 किलो हर्ट्ज की बैंड होगी। इस बैंड का क्या होगा, ये ट्रांसमिशन होगा। तो 540 से लेके 1650 बैंड, तो जैसे जब ब्रॉडकास्टिंग होता है तो ब्रॉडकास्टिंग के केस में ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर केवल एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड का ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा, पूरी कंप्लीट बैंड की ट्रांसमिशन होगी, और उस ट्रांसमिशन में सारे चैनल का अपना अपना अलग एलोकेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का एलोकेशन, वो इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रांसमिशन करते हैं। तो क्या होगा कि जो पहला परफॉर्म कोई फंक्शन पहला परफॉर्म करेगा वो होता है कलेक्शन का। क्या होता है आपका पहला काम, उसका जो है वो आपका होता है कलेक्शन। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपके पास ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल है उसको कलेक्ट कर लेगा, मतलब जो ये होल बैंड है, होल बैंड को क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो पहला फंक्शन जो है, मतलब पहला स्टेप जो रिसीवर का होगा वो यही है कि ट्रांसमिटेड मैसेज को कलेक्ट कर लेना। अब जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, अब हमने कहा कि जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हमारा सिलेक्शन का। क्या होता है वो, सिलेक्शन का। सिलेक्शन का सिंपल मतलब क्या हो गया, अब हमने कहा कि जब हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो जो ट्रांसमिशन होगा वो तो कंप्लीट बैंड का ट्रांसमिशन होगा। तो कंप्लीट बैंड के ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा कुछ है, ये आपके पास 540 है, ये आपके पास 1650 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 ऐसे ही भी जितने भी नंबर आप चैनल्स होंगे वो एलोकेट होंगे। अब हमने कहा कि हमें कोई चैनल सुनना है जिसका फ्रीक्वेंसी है 9 किलोहर्ट्ज़, 900 किलोहर्ट्ज़,
या हम कहते हैं इस पार्टिकुलर जो T3 चैनल के लिए लोकेशन बैंड है, इस बैंड का डेटा हमें इस बैंड का जो प्रोग्राम है वो सुनना है। ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 है, 6 है। तो अब क्या होगा, जो ट्रांसमिट हुआ वो कंप्लीट बैंड का ट्रांसमिट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमने पहले स्टेप में इस पूरे बैंड को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब हमें जब इस पार्टिकुलर चैनल नंबर 3 का ही प्रोग्राम सुनना है, तो हमें बाकी जो बैंड है या जो बाकी चैनल्स हैं उनकी डेटा से हमसे कोई मतलब नहीं। तो अगला काम क्या होगा कि इस पार्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट करना है। तो जो सेकेंड स्टेप होता है या सेकेंड फंक्शन होता है रिसीवर का, वो क्या होता है, सेलेक्शन का। कि ये क्या करेगा कि जो आपका डिज़ायर्ड बैंड होगा उस बैंड को वे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करता है। तो जो ये डिज़ायर्ड बैंड के सेलेक्शन होता है, ये क्या कहलाता है, जो रिसीवर होगा, रिसीवर की सेलेक्टिविटी। अब अगला स्टेप आ गया थर्ड। तो जो अगला स्टेप थर्ड है वो होता है आपका सेंसिटिविटी। क्या है आपका सेंसिटिविटी। तो अब क्या होगा, होता ये है कि हमने इस पार्टिकुलर बैंड को तो सेलेक्ट कर लिया, बाकी बैंड को हम उड़ा दे रहे हैं। ये बैंड हो गया, जब हम इस बैंड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हम इसको क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं, इसके पावर लेवल को इम्प्रूव करते हैं, कि जिससे हम क्या करें कि जो मैसेज सिग्नल है इससे हम प्रॉपर मैसेज की रिकवरी कर सकें। तो ये जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, सेलेक्टेड सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, ये कहलाता है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर। तो जब हम ये सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर, या हम कहते हैं कि जो है सेंसिटिविटी परफॉर्म की, लेकिन अभी भी ये हमारा, अब हमने कहा कि सिग्नल को बूस्टअप कर दिए, बड़ा करते रहे हम ऐसे दिखाने के लिए, अभी भी ये हमारा सिग्नल क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो अगर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो इससे तो हमें मैसेज की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इससे हम बेसबैंड सिग्नल की रिकवरी करेंगे, या हम कहते हैं कि जो हमारे पास इनपुट इंफॉर्मेशन है हम इनपुट इंफॉर्मेशन की रिकवरी करेंगे। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम जो है अपना इनिशियल जो मैसेज होगा, इनपुट इंफॉर्मेशन, उसकी रिकवरी करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिटेक्शन। क्या होगा, डिटेक्शन, या सिंपली हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, या सिंपली यहाँ पे होगा डिटेक्टर। अब ये जो डिटेक्टर है या डिटेक्शन है, डिटेक्शन सिंपली क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। ये क्या है, अब ये जो प्रोसेस होता है इसे हम सिंपली कहते हैं रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ से अब हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है यहाँ से इनपुट इंफॉर्मेशन की रिकवरी करेंगे। अब उसके बाद हम इसको फिर से फर्दर जो है एम्पलीफाई कर देंगे, और उसके बाद स्पीकर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते। तो यहाँ पे AF एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करेंगे और स्पीकर के थ्रू हम डिलीवर कर देंगे। तो ये बेसिक किसी रिसीवर का फंक्शन है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कोई सा भी रिसीवर है, चाहे जो रिसीवर होगा, चाहे AM रिसीवर हो, FM रिसीवर हो, ऑल टाइप रिसीवर की बात करेंगे, ये सारे रिसीवर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला, अब अगर पैसे रिकॉल कर दे तो पहला काम जो ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल है उसको कलेक्ट करना, सेकंड थिंग कलेक्टेड मैसेज में से पार्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट करना, फिर सेलेक्टेड बैंड को एम्पलीफाई करना जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, फिर एम्पलीफाइड मैसेज से ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करना, फिर स्पीकर के थ्रू मैसेज को डिलीवर कर देना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा भी होगा रिसीवर वाले में, तो चलो हम इस पर एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने फंक्शन ऑफ रिसीवर क्या मेंशन किया है, फिर हम AM रिसीवर की बात करेंगे कि AM रिसीवर कैसा, क्या क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो लिखा है कलेक्ट द AM वेव ट्रांसमिटेड बाई ट्रांसमीटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमने पहले ही कहा था कि इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल होता है उसको कलेक्ट करना। सेकेंड थिंग इसमें लिखा टू सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अदर इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ डिवाइस। जो हमने कहा था कि सेकेंड फंक्शन है इसका,
उसके बाद आप थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में लिखा है एम्पलीफाई द सेलेक्टेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर, थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डिटेक्ट द बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हो गया आपका फोर्थ। और इसके बाद ये आपका लास्ट हो जाएगा टू एम्पलीफाई द बेस बैंड सिग्नल टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर। तो ये कोई से भी रिसीवर होंगे उनका जो है ये मेन फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एएम रिसीवर पे। तो जब हम एएम रिसीवर की बात करेंगे तो जो एएम रिसीवर है आपका वो दो टाइप का होगा। पहला क्या है आपका टीआरएफ रिसीवर, दूसरा क्या है हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। दो रिसीवर होते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीआरएफ रिसीवर पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पे कि टीआरएफ रिसीवर में क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई कि जिसकी वजह से हमें जो है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का डिस्कशन या सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की स्टडी करना पड़ा। तो हम पहले आज डिस्कस करते हैं टीआरएफ रिसीवर पे, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बात कर लेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पे नेक्स्ट लेक्चर में, या आज टाइम मिलेगा तो आज ही कर देंगे। तो अगर हम टीआरएफ रिसीवर की बात करें तो ये है आपके पास ब्लॉक डायग्राम, इसका ऐसा कुछ बनेगा। ये आपके पास एंटीना है जो क्या करेगा रिसीव कर लेगा मैसेज को। इसके बाद आपके पास ये फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर होगा, और उसके बाद आपके पास सेकेंड आरएफ एम्पलीफायर है, फिर इसके बाद आपके पास डिटेक्टर है, फिर आपके पास एएफ एम्पलीफायर है, और ये आपके पास स्पीकर है एलएस, और इसे हम कहते हैं जो है आरएफ स्टेज एम्पलीफायर। तो जब आप इस रिसीवर की बात करोगे तो ये रिसीवर अब वो पूरा कंप्लीट वर्क का परफॉर्म करेगा। पहला काम इसका क्या का होगा मैसेज का कलेक्शन का। तो ये आरएफ स्टेज है, यहाँ पे एम्पलीफायर होगा या आरएफ फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर सेकेंड आरएफ एम्पलीफायर, ये तो डिपेंड करता है बुक में अलग अलग है। तो यहाँ पे जो आरएफ स्टेज एम्पलीफायर का मेन काम होता है कि मैसेज का कलेक्शन का, कलेक्शन के बाद मैसेज के सिलेक्शन का और सेंसिटिविटी का। उसके बाद डिटेक्टर है, डिटेक्टर का मेन काम यहाँ से डीमॉड्यूलेशन होगा, और उसके बाद हम इसको एम्पलीफाई कर देते हैं स्पीकर के थ्रू ऑपरेट करने के लिए। तो अब इसमें क्या है कि ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर अभी हम देखेंगे कि फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर जब मीडियम फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो मीडियम फ्रीक्वेंसी तक ही काम करता है, उसके आगे ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि हम रिसीवर के सिलेक्शन की बात करते हैं, जो रिसीवर का सेकेंड काम है कि पर्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट करना। तो अगर हम बैंड सेलेक्शन की बात करते हैं तो बैंड का सेलेक्ट कैसे होता है फिल्टर से। तो जब हम फिल्टर से सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब फिल्टर हमारे पास होगा। फिल्टर ये चीज़ होता है जो किसी पर्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट रिजेक्ट करता है, तो फिल्टर का क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए। अब हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है 85 की होती है। तो अभी थ्योरी की बात करें तो इसमें ये बना हुआ है ब्लॉक स्ट्रक्चर कि आपके पास ये एंटीना है रिसीव कर रहा है फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर सेकेंड आरएफ एम्पलीफायर। तो यहाँ बुक में ऐसा भी लिखा मिल सकता है आरएफ स्टेज एम्पलीफायर, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिटेक्टर और एफ एम्पलीफायर। तो जो फर्स्ट और आरएफ एम्पलीफायर है, ये आरएफ स्टेज एम्पलीफायर है, इसका मेन काम यहाँ पे ये है कि ये मैसेज को पर्टिकुलर मैसेज को कलेक्ट कर लेगा, फिर मैसेज को सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद जो है मैसेज को एम्पलीफाई कर देगा। फिर डिटेक्टर है, डिटेक्टर क्या करेगा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उससे मैसेज की ये डिटेक्शन करेगा। उसके बाद ये स्पीकर के लिए एम्पलीफाई कर देगा,
और स्पीकर के थ्रू हम डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, अगर इसकी बात करें थ्योरी की, तो टी आर एफ रिसीवर परफॉर्म अबाउट द फंक्शन अबव द फंक्शन कलेक्शन सेलेक्शन एम्पलीफिकेशन डिटेक्शन। जो हमने पहले कहा था कि रिसीवर का जो मेन काम है कलेक्शन, उसके बाद सेलेक्शन डिटेक्शन एम्पलीफिकेशन डिटेक्शन एंड एम्पलीफिकेशन एंड वर्क प्रॉपरली एट द मीडियम फ्रीक्वेंसी। हमने कहा था कि जब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ये रिसीवर प्रॉपर वर्क करेगा। अब ये रिसीवर फेल हो जाएगा जब हम हायर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और ये जब हायर फ्रीक्वेंसी के फेल हो जाएगा तो हम नया रिसीवर डिज़ाइन करेंगे। जो नया रिसीवर डिज़ाइन करेंगे उसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, या जो टेक्निक यूज़ होगी उसे हम कहते होंगे हेट्रोडाइनिंग या मिक्सिंग टेक्निक, और उस बेस्ड पे जो रिसीवर होगा हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर या हेट्रोडाइन रिसीवर होगा। तो इसके आगे लिखा है, बट एट हाई फ्रिक्वेंसी द परफॉर्मेंस ऑफ टी आर एफ रिसीवर फेल। मैंने कहा था कि जब हाई फ्रिक्वेंसी की हम बात करेंगे तो ये रिसीवर क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ रिसीवर इज इम्प्रूव्ड बाई ए टेक्निक नोन एज हेट्रोडाइनिंग आर मिक्सिंग। यहाँ पे लिखा है हेट्रोडाइनिंग और मिक्सिंग होना चाहिए, और ए रिसीवर बेस्ड ऑन दिस टेक्निक इज नोन एज सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो अब हम इस पर अभी और डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया टीआरएफ रिसीवर की। टीआरएफ रिसीवर जो है आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है जब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। मैसेज को ये कलेक्ट कर रहा है, मैसेज को सेलेक्ट कर रहा है, मैसेज को एम्पलीफाई कर रहा है, मैसेज को डिटेक्ट कर रहा है। प्रॉपर फंक्शनिंग होगा मीडियम फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये फेल हो जाए, और इस रिसीवर के परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करेंगे, नई टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइनिंग या मिक्सिंग टेक्निक, और इस बेस पे जो रिसीवर हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब हमने कहा कि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए क्या काम होता है, फिल्टर का मेन काम क्या होता है, बैंड के सिलेक्शन का, या फ्रीक्वेंसी बैंड के सिलेक्शन का, कि कितना बैंड पास करना है, कौन सा बैंड पास होगा, कौन सा बैंड रिजेक्ट होगा। तो जब हम फिल्टर की बात की कि फिल्टर का मेन काम होता है बैंड के सिलेक्शन का, तो जो फिल्टर का क्वालिटी होता है वो डिफाइन करता है क्वालिटी फैक्टर क्यू से, क्वालिटी फैक्टर। अब जितना अच्छा है इसका क्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छा हमारा फिल्टर डिज़ाइन होगा, और इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारा जो फिल्टर का परफॉर्मेंस है वो उतना ही अच्छा है, उतना बेस्ट होगा। और यहाँ पे हम बता दें जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यूज है वो डिज़ाइन हो सकती है हमारी कितनी, 85। तो चलो हम बात करते हैं AF बैंड के लिए कि जो हमारे पास जो है क्वालिटी फैक्टर कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्यों रिसीवर हमारा फेल हुआ। तो क्वालिटी फैक्टर की हम जब बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर सिंपली कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी RF, हम लिख दे रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड। अब हमारे पास जो बैंड है AM का वो कितना है, AM बैंड की बात करें तो हमने कहा था कि 540 से लेके 1650 kHz। तो पहले हम लोअर बैंड के लिए फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे। तो जब हम लोअर बैंड के लिए फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास ऐसा कुछ फिल्टर है, ये हो जाएगा ये आपका 540, 545 और 550, ये सब किलो हर्ट्स में है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर डिज़ाइन करेंगे। तो जब हम इसके लिए फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर कितना, Q इक्वल टू RF फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा, RF अपान बैंडविड्थ होता है। तो RF हो जाएगा 545 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, AM का कितना होता है, हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर में पहले लिखा था कि 10 किलो हर्ट्ज का होगा, तो कितना आ जाएगा, 54.5। अब अगर हम कहते हैं कि लोअर बैंड की बात करते हैं AM सिग्नल की, तो सिग्नल लोअर बैंड के सिग्नल के लिए हमें पास जो भी फिल्टर हमें डिज़ाइन करना है, जो भी फिल्टर यूज़ करेंगे उसकी जो क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट है 54.5 होना चाहिए।
और हम जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यूज़ है कितना है, 85। 85 तक का हम फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा रिसीवर है लोअर बैंड के केस में, हमारा रिसीवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। अब हम ज़रा हायर बैंड के केस में चेक करते हैं कि हायर बैंड के केस में क्या हो। तो जब हम हायर बैंड की बात करेंगे तो हायर बैंड के केस हमने कहा था कि हायर बैंड कितना होता है, 1650 होगी, यहाँ से आ जाएगा 1645 और ये हो जाएगा 1640। तो अब जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1650 और जो है डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जा रहा, ये हो जाएगा, ये 45 है, तो ये आ जाएगा आपका 164.5। अब अगर हमने कहा कि हायर बैंड जो इसका है, उस केस में अगर हमें मैसेज को सेलेक्ट करना है, तो उस केस में अगर हमें मैसेज को सेलेक्ट करना है तो हमें जो बैंड की रिक्वायरमेंट है वो कितनी, उस फिल्टर के लिए जो क्वालिटी फैक्टर डिज़ाइन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 164.5, मतलब 164.5। और जो प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यूज़ है कितनी हो सकती हैं, 85। मतलब सिंपली हम ये कहते हैं कि हम कोई फिल्टर डिज़ाइन करेंगे तो उसका जो मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर हो सकता है वो 85 हो सकता है, लेकिन जो हमें फ़िल्टर के क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 164.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो नियरली 2 times हो रहा है। तो क्या हो क्या रहा है इससे, तो ये तो हो रही है। इसका मतलब कि जब हम इस बैंड की बात करेंगे तो इस केस में जो हमारा रिसीवर होगा वो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा फिल्टर हम डिज़ाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फिल्टर है या जो हमारा TRF रिसीवर है, TRF रिसीवर हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी तक प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन जब आप हायर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो हायर फ्रीक्वेंसी के केस में जो हमारा रिसीवर है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, और इसमें अगर बात करें तो इसमें लिखा होगा कि क्लियर कट मेंशन है, आपको हम दिखाते हैं कि कैलकुलेट किया है लोअर बैंड के केस में, इसका जो क्वालिटी फैक्टर आया है वो सेम वही आया है 54.5, हायर के केस में आएगा 164. लिखा है, हैंस द सिग्नल कैन, इसके केस में तो मैसेज की प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिकवरी हो जाएगी, लेकिन जब ये 64 की बात करेंगे, हैंस द सिग्नल कैन नॉट बी कलेक्टेड बाई द रिसीवर, तो मतलब इस केस में हमारा जो TRF रिसीवर रहेगा वो फेल हो जाएगा। अब हमने ये कहा कि चलो हम आइडियल केस लेके चलते हैं। आइडियल केस का सिंपल मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई फिल्टर है जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है, हम आइडियल फिल्टर की बात कर रहे हैं, आइडियल फिल्टर की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई फिल्टर हमने ऐसा डिज़ाइन कर लिया है कि जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है, तो अब इस केस में हम जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर सिंपली क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो हम कहते हैं लोअर के केस का कोई इशू ही नहीं था, हम हायर के केस में चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ से बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 164.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, 164.5 किलोहर्ट्ज़। अब लो तो क्या हो जा रहा है, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि अब अगर हमने, हमारे पास कोई फिल्टर है जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है, तो इस केस में जो वो बैंड सेलेक्ट करेगा वो कितना बैंड सेलेक्ट कर रहा है, 64.5 किलोहर्ट्ज़। तो इसका मतलब अभी भी इशू है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसके बैंड की बात करें तो ये क्या होगा, तो ये अब आपका होगा स्टैंडर्ड जो एम होगा वो कितने का होगा, 10 किलोहर्ट्ज़ का, ऐसा कुछ होगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन कितने का होता है, 10 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ एएम यूज़ करता है, यहाँ पे भी 10 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। लेकिन अब जब हमारे पास 100 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आएगा और ऐसे सेलेक्ट करेगा, फिर ऐसे जाएगा और ये ऐसा कुछ सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब कि अब ये जो पूरा सिलेक्शन है किसका है, 16.45, और आगे फिर से क्या हो जाएगा, 16.45। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा बैंड यहाँ सेलेक्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में भी अगर हम ये कहते हैं कि 100 क्वालिटी फैक्टर का फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो भी ये आपके पास जो आपके पास रिसीवर होगा वो रिसीवर फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो सिलेक्शन होगा वो दूसरे चैनल के भी डेटा को सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम बैंड होनी चाहिए 10 किलोहर्ट्ज़ की, वो सेलेक्ट करेगा 16 किलोहर्ट्ज़ का। इसका मतलब कि सिंपली अगर 100 क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास फिल्टर है तो भी हमारा जो फिल्टर है ये काम का नहीं है, इस केस में भी हमारा जो रिसीवर हो जाएगा वो फेल कर जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई, अब हुआ बेसिकली क्या कि इसमें लिखा है कि द रिसीवर रिक्वायर द वैल्यू ऑफ TRF रिसीवर रिक्वायर द वैल्यू ऑफ क्यू बिटवीन 54.5 to 64.5, बट द प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्यू इज अप टू 85, सो इन केस ऑफ हायर बैंड AM सिग्नल कैन नॉट सेलेक्टेड प्रॉपरली। तो यहाँ पर रिसीवर फेल हो जाएगा, और जब ये रिसीवर फेल हो जाएगा तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, नया रिसीवर डिज़ाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, जो मिक्सिंग टेक्निक का यूज़ करेगा, और इस पर हम जो डिस्कशन है वो कल करेंगे। अब इसको लेक्चर को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।